बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। शाज़ान जानी जानी टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम में आज टुडे कबूलियत दुआ का वक्त, आज जनाब 23 अक्टूबर हफ्ते का दिन है और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने की जो हम सआदत हासिल करते हैं, हमारी भी खुशकिस्मती है, बहन भाई इसे पसंद करते हैं। दुआ एक्चुअली अल्लाह का पसंदीदा अमल है और हर नमाज के बाद हम हाथ उठा कर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो आलम बाला से हमारा रबता कायम हो जाता है और हर शख्स पे के हाथ पे अल्लाह लिखा हुआ है। उस पर जनाब हम देखें तो अलिफ लाम लाम है और ये अल्लाह ताला ने जो दुआ के लिए हाथ दिए, हमें हाथ दिए हैं ये दुआ के लिए दिए हैं। मैं आपकी खिदमत में सूरह नमल की आयत का एक तर्जमा छोटा सा हदिया करने की सआदत हासिल करता हूँ कि भला वो कौन है जो दुआ सुनता है बेकरार की जब उसे पुकारे और रफ़ा करता है इसकी तकलीफ़ को। अम्मा युजीबुल मुसल्ला दुआ इज़ा दुआ व यक्शफु सू आ, ये वो आयत है। अल्लाह पाक मुस्तरिब दिलों की दुआएं सुनता है, कबूल करता है। कोई परेशान हाल जब अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआएं कबूल करता है। हम कोशिश करते हैं कि आपकी खिदमत में उलूमुल फलकियात की रोशनी में और रूहानियत की रोशनी में आपकी खिदमत में वो वक्त निकाल के हदिया करें कि जब आसमान की खिड़की खुलती है और आप दुआ करें तो आपकी दुआएं बारगाह खुदावंदी में मुस्तजाब हों। आज जो मैंने वक्त निकाले आपके लिए कबूलियत दुआ के, ये जनाब निसफ शब 1:50 से ले कर 2:20 का वक्त है और दूसरा वक्त है 2:35 से ले कर 3:05 का वक्त है, ये जोहरैन के दरमियान का वक्त है। और तीसरा वक्त जो है ये शाम 5:35 से ले कर 5:46 का वक्त है, ये करीब तरीन वक्त है नमाज मगरब का। हर तीन अवकात में आप जो भी आपकी फ़ीस जुमाना हाजात दें आप दुआएं कर सकते हैं। अपनी दुआओं की यकीनी कबूलियत के लिए अव्वल आखिर जारा जरा बरसात रोशि पढ़ें। और वैसे भी जनाब जश्न मिलादुन्नबी का महीना है, हर सो खुशियाँ फैली हुई हैं और हम देखते थे कि बचपन में जनाब इसी दिन को 12 वफात भी कहते थे, आज कल इसे जश्न मिलादुन्नबी का नाम दिया जाता है और बड़ी महदूद उसमें महफिलें होती थी ख़ासतौर पर 12 रबीउल अव्वल को। लेकिन आज कल तो जनाब मैं देखता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जगह जगह जनाब ये महफिलें मनाई जाती हैं। आपको अगर किसी महफ़िल में जश्न मिलादुन्नबी में शिरकत की दावत मिले तो ज़रूर जाएँ, ये जगह ये मुकाम कबूलियत दुआ का वक्त है। और जब जनाब दरूद व सलाम भेज रहे हों तो अपने दिल में आप हाजत रख के दुआ करें तो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के वसीले से की गई दुआएँ यकीनन बारगाह खुदावंदी में मुस्तजाब होती हैं। बस जनाब यही दुआ का फ़लसफ़ा है कि आप अल्लाह से दुआ करें और किसी अच्छे लम्हात में दुआ करें और दुआ आपकी कबूल हो। और आखिर में ये सैयद दादा भी दुआ करते हैं कि आज आप जो भी दुआ करें आपकी दुआ बारगाह खुदाबंदी में मुस्तजाब हो। आज के लिए इतना ही, शाह जानी को इजाज़त दीजिएगा बशर्ते ज़िंदगी, कल एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।